बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इतने हिट लिस्ट में है ये इस समय आतंकवादियों, जहां मिले मार दो वाला फतवा है इन पे। वही अटैक हुआ इन पे, देखो बेचारे पहले ऐसे थे, इतने बढ़िया लग रहा है, अब इनको ऐसा कर दिया इन लोगों ने। इनकी हमला जब हुआ इन पर 2022 में, चाकू से हमला हुआ इनके ऊपर, तो व्यक्ति तो पकड़ लिया गया लेकिन हमला करने में सफल हो गया, तो एक आंख चली गई ये वाले, तो इस आंख में काला लेंस लगा लिया इन्होंने। ठीक, अभी ऐसे हो गए। ये देखो इसी के तरह इंटरव्यू इनका भी नया वाला, उसमें एक ऐसा दिख रहा है, एक आंख ऐसे दिख रहा है। ठीक, इस तरह के हैं। तो इन्हीं के बारे में अपने लोगों को पढ़ना है। अ हैरोइंग टेल ऑफ रेजिलियंस एंड फाइट फॉर फ्री स्पीच, ये इनका मेमोइर है, संस्मरण है। ठीक, तो नाइफ क्या है? नाइफ सलमान रशदी का, सलमान रुशदी का संस्मरण है। इनके साथ 2022 में जो घटना हुई उसके बारे में इन्होंने इसमें बताया है, जो इन पर चाकू से हमला किया गया उसके बारे में बताया। नाइफ नई किताब है, 2024 में आई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 2024 की किताब है नाइफ, अभी हाल फिलहाल में आई 2024 में। नाइफ अ हैरोइंग टेल ऑफ रेजिलियंस एंड फाइट फॉर फ्री स्पीच, इनकी पुस्तक का नाम है। अब इनके बारे में कुछ बातें देखना। 1981 में इनको इनकी पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मैन बुकर मिला था, और 2007 में इनको ब्रिटेन ने नाइटहुड दिया था। ये दोनों बातें याद रखना, कब कब क्या दिया ये ध्यान रखना है। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 1981 में इनको मैन बुकर, साहित्य के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित अवार्डों में एक है, मैन बुकर प्राइज मिला 1981। कौन सी पुस्तक के लिए? मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। ठीक, इस पुस्तक के लिए बुक है ये, 1981 में ही आई थी इनकी बुक, और इसी के लिए मिला। और 2007 में इनको ब्रिटेन ने नाइटहुड प्रदान किया था, और जब इनको ये नाइटहुड दिया गया था तो कई देशों ने, विशेष रूप से ईरान ने इसका बड़ा विरोध किया था ब्रिटेन का, कि ऐसा अवार्ड नहीं देना चाहिए, इस्लाम का अपमान है इस व्यक्ति को अवार्ड देना। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये काफी ज्यादा बोलते हैं मुसलमान धर्म में जो चीजें हैं उनके बारे में। मिडनाइट चिल्ड्रन के अलावा इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, पुस्तक का नाम है सैतानिक वर्सेस, जो कि बैन है दुनिया के कई देशों में, भारत में भी बैन है। सैतानिक वर्सेस 1988 के आसपास इस पुस्तक को लिखा इन्होंने, सैतानिक वर्सेस, सैतान की आयतें, इसका हिंदी में अगर ट्रांसलेशन आप करें सैतानिक वर्सेस। एक पुस्तक लिखा द गोल्डन हाउस, एक पुस्तक का नाम है द गोल्डन हाउस, गोल्डन हाउस। एक पुस्तक है विक्ट्री सिटी, विक्ट्री सिटी। एक पुस्तक का नाम है शेम, शेम, SHAME, शेम माने शर्म वाला शेम। ठीक, ये इनके बारे में कुछ जानकारी है जिसको आपको याद रखना है। तो क्या क्या बातें याद रखनी है? हाल ही में सलमान रश्दी की एक पुस्तक आई है जिसका नाम है नाइफ, इतना याद रखोगे काफी है। इनकी अन्य किताबें क्या क्या हैं? उसमें मिडनाइट चिल्ड्रन, सैतानिक वर्सेस, शेम, विक्ट्री सिटी और गोल्डन हाउस प्रसिद्ध किताबें हैं, और भी बहुत सारी किताबें हैं। ठीक, इसके अलावा दो चीजें और याद रखनी। 1981 में इनको इनकी पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मैन बुकर प्राइज मिला था, और 2007 में ब्रिटेन ने इनको नाइटहुड प्रदान किया था। नाइटहुड वही होता है जिसकी उपाधि मिलने के बाद अपने नाम के आगे सर लगा सकते हैं। ठीक है, जो भारत में फ्री में बंटती है। ठीक, हर आदमी सर है।